बिहार में एक बार फिर मूसलाधार बारिश के बाद बाढ़ के हालात बनने लगे हैं। सुपौल से लेकर रक्सौल तक नेपाल से आने वाली नदियों में उफान है, जिसकी वजह से निचले इलाकों में अलर्ट की स्थिति है। नदियों का पानी लगातार फैलने से जनजीवन फिर से बेपटरी हो गया है। आइए जानते हैं सूबे के किन किन जिलों में बाढ़ के हालात बन रहे हैं। सबसे पहले बात सुपौल की करते हैं। नेपाल के तराई हिस्सों में मूसलाधार बारिश होने से कोसी नदी में उफान है, जिसकी वजह से कोसी बराज से बार बार पानी छोड़ा जा रहा है, जिसके चलते सुपौल सहरसा के इलाके में लोग परेशान हैं। इन इलाकों में नदियों का जलस्तर बढ़ने से प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। कोसी नदी में उफान से शुक्रवार को कोसी बराज में पानी का दबाव खतरे के निशान को पार कर गया, जिसके चलते बराज के सभी गेट खोलने पड़े। वहीं शनिवार को पानी का प्रेशर कम होने पर दिन भर में आधे दर्जन बार वाटर डिस्चार्ज करना पड़ा। सुबह 8 बजे 3,37,000 क्यूसेक से अधिक पानी छोड़ा गया। वहीं शाम 4 बजने पर पानी का दबाव किसी तरह से कम हुआ। इस दौरान 2,44,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। इससे पहले हर एक घंटा बराज से धीरे धीरे पानी का रैला पास कराया गया। उधर मधुबनी, शिवहर और बगहा में भी पानी का दबाव बढ़ गया है। मधुबनी में कमला नदी में उफान है, जबकि शिवहर में बागमती नदी में जलस्तर खतरे के निशान से 75 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। वहीं बगहा में गंडक बराज में जलस्तर बढ़ने पर लगभग 2,00,000 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया गया है। इन नदियों में पानी छोड़ने पर सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, खगड़िया और आसपास के जिलों में सतर्कता बढ़ा दी गई है। अभी कल से लगातार जो है गंडक में जलस्तर की बढ़ोतरी हो रही है। अभी 2,00,000 के करीब में है, 1,94,600 क्यूसेक। इसी को देखने के लिए हम लोग आए हैं, हमारे सारे अधिकारी हैं, कि इससे उत्पन्न हालात जो होगी उसके लिए हम लोग कौन कौन सी कार्रवाई कर सकते हैं, लोगों को असुविधा नहीं हो, लोगों के बीच में किसी प्रकार की संशय की स्थिति नहीं बने, ताकि हम लोग जो है तत्पर हैं और संवेदनशील हैं और निश्चिंत हैं। बांध की सुरक्षा को लेकर सर कैसे मॉनिटरिंग चल रही है? ठीक चल रही है, हमारे सभी टीम के लोग हैं, कार्यपालक अभियंता उनके पूरी टीम है और पर्याप्त मात्रा में हमारे पास मटेरियल उपलब्ध है और लगातार पेट्रोलिंग जारी है। हमारे कनीय अभियंता, सहायक अभियंता एवं अन्य कर्मियों के द्वारा लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। यहाँ के अनुमंडल पदाधिकारी खुद अपनी टीम के साथ सजग रह रही हैं, देख रही हैं, निरीक्षण कर रही हैं और इसी क्रम में इनके सूचना पर हम लोगों ने आया है और देख रहे हैं कि किसी को कोई कठिनाई नहीं है।